रहमान रहीम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IMTV प्लेटफॉर्म में आपका मेजबान इमरान अली मदनी हाजिर है। आज एक बड़े मशहूर ड्रामा सीरियल सुकून की हम जो अगले आने वाली किस्त है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा एआरवाई डिजिटल पे बड़ा मशहूर चल रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि इस ड्रामे की अगली एक साल में क्या होगा। तो इसी के एक साथ जो आने वाली किस्तें हैं उनके बारे में जानने के लिए मेरे साथ आज के सीनियर तजियाकार रीना खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रीना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं आप? अच्छा रीना, मुझे जो सुकून की जो आने वाली किस्त है और इस ड्रामे के अंदर जो हाल अहवाल चल रहे हैं उसके बारे में आप ब्रीफली बताइएगा मेरे नाज़रीन को। जी जो मंगेतर होता है वो इतना सख्त तबीयत का होता है, वो उसको कहीं आने जाने नहीं देता, उस पर इतनी पाबंदी लगाता है। वही लड़की किसी शादी पे आई होती है, उसमें एहसन खान और हकान खान की उससे मुलाकात होती है, इसका मंगेतर उस पर हाथ उठाता है, वो मना करता है, ठीक है, और हकान खान सना खान के पीछे पड़ जाता है, ठीक है, और जगह जगह उसके जहाँ वो जाती है उसको वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। फिर आस्ता आस्ता वो लड़की उसकी छोटी बहन उसको कहती है कि तुम्हारा मंगेतर इतना सख्त है तो तुम क्या करोगी, उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगी ना। फिर यही चीज़ वो समझा समझा के उसको, उसकी माँ को भी यही चीज़ समझाती है छोटी बहन ना, और ज़्यादा उसको इंसिस्ट करती है। लड़की अच्छी होती है, लड़की को बताया गया कि बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल का जो माशरा है वो उसको भी इन्होंने इस ड्रामे में बताया गया है कि लड़कियां एकदम ट्रस्ट कर लेती हैं दूसरों पे, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन वो हकान खान इसके पीछे पड़ा रहता है, एहसन भी उसको समझाता है, और हकान खान की जो बीवी होती है जो उसकी बहन होती है वो एहसन खान के साथ उसकी वो मंगेतर होती है, ठीक है। तो ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि समझ नहीं आती स्टोरी कहाँ से कहाँ चली गई है, यानी कि उसका मंगेतर इतना सख्त होता है, इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने की वजह से ना वो लड़की इंटरेस्ट हो ही जाती है खाकान खान के ऊपर ना, तो वो अपना घर बार छोड़ देती है उसके पीछे। जब वो उसके घर में जाती है तो यहाँ पे ये जो एक इतना मज़े का यहाँ पे एक इन्होंने बताया होता है कॉन्सेप्ट कि हकान खान उसको पहचानने से इनकार कर देता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने फादर मदर बहन सबके सामने उसको इग्नोर करता है, वो कहता है मैं जानता ही नहीं उस लड़की को, ठीक है। ये बात उस लड़की को इतनी दिल पे लगती है कि वो लड़की यहाँ से जब उसके घर से जाती है, यही चीज़ एहसन खान भी देख रहा होता है ये करता क्या है, और यही बात हमारे माशरे की बताई गई है कि लड़के लड़कियों के साथ मजाक करते हैं। वो लड़की जब बाहर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है, उसको फिर एहसन खान लेके आता है, उसको उसको ठीक करता है, फिर उसके घर जाके उसको छोड़ने के लिए हामी भर देता है एहसन खान ना, लेकिन एहसन खान की नेकी उसके गले पड़ जाती है, ठीक है। जब उसको घर छोड़ के आता है तो उसका उसके बाप को पता चल जाता है, इतनी देर हो जाती है उसके बाप को पता चल जाता है ये किंग हुई है, वो उनके घर में तबाही मची होती है, उसका बाप उसके आते ही उसको पड़ जाता है लड़की को और उसकी माँ को तलाक देने लगता है। एहसन खान ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है, एहसन खान को भी उसका बाप घर के अंदर ले आता है, ठीक है, और इतनी अजीब किस्म की सिचुएशन बताई गई है कि ड्रामा कहाँ से कहाँ चला जाता है, और एहसन खान को भी उसका बाप पकड़ के बैठ जाता है कि तुम ही वो लड़के हो जिसके साथ मेरी बेटी भाग गया, अब या तो मैं अपनी बेटी को मार दूंगा या तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। और उधर उसका मंगेतर भी ये तमाशा देख रहा होता है। अब वो पूरा एक ऐसी सिचुएशन थी कि एहसन खान को ना ना करते भी हाँ करनी पड़ी, वो उस लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि या अगर वो इनकार करता तो उसका बाप उसको तलाक भी दे देता अपनी बीवी को और उसका भी बुरा हशर करता सना का ना। अब यहाँ से ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है कि वो अब एहसन खान उसको अपने घर ले आता है। अब यहाँ पे ये हमारे माशरे के बारे में बताया गया है कि देखिए लड़के किस तरह मजाक करते हैं, उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उसका उसका बाप भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसकी माँ की भी, उसकी बहन की भी, और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, अब एहसन खान उसको कैसे कबूल करेगा। अब यही आगे इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है कि अब एहसन खान क्या करेगा,
एहसन खान सना को कबूल करेगा या अपनी मंगेतर को अपनाएगा या हकान खान के साथ क्या होगा। ठीक है, अब ये पूरा ड्रामा ना ये चार करेक्टर्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और पूरे माशरे के हमारे बारे में बताया गया है कि जैसे ये यंग लड़के और लड़कियां करती हैं कि एक दूसरे के बातों में आके अपना घर बार छोड़ देती हैं और लड़के एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं और उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ठीक है, अब वो तो अमीर लड़का था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, सारा कुछ बिगड़ा तो लड़की का बिगड़ा है, उसका घर भी खराब हो गया। ठीक है, माँ बाप भी चले गए और जिसके साथ उसने शादी किया वो पता नहीं क्या करता उसके साथ, उसको रखता है एहसन खान या उसको छोड़ता है या क्या करता है। ठीक है, इस किस्त में ये भी बताया गया कि एहसन खान उससे गुस्सा कर रहा है कि तुम एक लड़के के पीछे भी और क्यों अपना घर बार छोड़ के आ गई थी। ठीक है, तो ये लेकिन वो सना खान खुदकुशी करने सना खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है लेकिन एहसन खान कहता है कि मेरे मेरे लिए मुश्किलात पैदा ना करो। अब ये सिचुएशन बता रहे हैं कि आगे किस्त में क्या होगा, उसका मंगेतर क्या करेगा सना का, और उसकी बहन के साथ क्या होगा और एहसन खान के साथ क्या होगा और हकान के साथ क्या होगा। ये जो बहुत मज़े की स्टोरी है और ये थर्सडे और वेनसडे को लगता है ड्रामा स्कून ना, और बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, लोग सब देख रहे हैं। ठीक है, और इससे बहुत लोग सबक भी हासिल कर रहे हैं, यंग लड़के और लड़कियां सबक हासिल कर रही हैं कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये सब लड़की हो या लड़कियां हो सब मजाक मजाक में एक दूसरे की जिंदगी ही बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत मजे का ड्रामा जा रहा है, आप प्लीज जरूर उसको देखिएगा और उसको देख देख के एक सबक ही मिल रहा है ड्रामे को। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी रीना खान, जिन्होंने इस ड्रामे के मुतल्लिक पूरे एनालाइज करके आपके सामने इसको रख दिया, और जिन्होंने एक दो बातें बहुत क्लियर कट बताई जो कि हमारे माशरे में चीज़ें चल रही हैं, कि एक यंगेस्ट जो कोलेबोरेशन होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या वैसे किसी इलाके मोहल्ले में जो एक रिश्ते तल्लुक बन जाता है और जिसकी वजह से खराबत माशरे में पैदा होती है। तो मेन थीम तो आने वाली किस्तों का तो रीना खान ने बता दिया हमें, तो आपकी चूंकि मजीद किस्त देखेंगे ब्रीफली तो आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। मैं एक बार फिर रीना खान आपका शुक्रिया करता हूँ आपने कीमती टाइम देने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मुझे सुना और समझा।